हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है हैरी द यंग। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको हैरी द यंग मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की भी हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। हैरी द यंग एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्री नवाकसन ने की है। इसे मेरी लैंड सिनेमास के जरिए विशाख सुब्रमणियम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के ताऊ से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल, कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत, इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी वबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताकि का निशाना बनाया गया था। फिर और ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया, ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो केरला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों, इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोधी थेट यकरन अरवन के वालिद, निकजन मूर्ति के तौर पर विजय अरगवान, जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामानदर बतौर सिद्वा, अभिषेक जोसेफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान रटियो जोगी, कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, मंजोला मोहन दास नित्या की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआ काली के तौर पर, कौशिक MD राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान
चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरुण और जेश जोश शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरुण के मलयाली सीनियर बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर जान थामिस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम जे कृष्ण ए बी बतौर और इसके अलावा चित्रा कुमार अंजलि एस नाहर बतौर तमीज सेल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया नित्या के दोस्त सूरज बतौर दूल्हा अर्षा मोहन प्रिया सनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख रेना कशीर रविंद्रन बतौर अंडोटी की आर्टिट की तारीख शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर विशाख नाहिर बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर मुथुकटी बतौर पादरी नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं। 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साल से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है लेकिन वो इसे हसद की अलामत समझ कर उदास कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना दी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है। ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है जो इनके पहले साल में
और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं। टेन के आखिरी दिन क्या है, जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं। 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंग्रिस की ट्रेन में जाती है, इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है, जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरा की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज बेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब करता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन बदकिस्मती से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। दर्शना शादी के इस्तकबाल में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले दर्शना को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर निथिया खुश हो जाते हैं। दर्शना की शादी तय है और अरवन निथिया सिल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। निथिया ने दर्शना के सामने अरवन का हाथ थामा, लेकिन दर्शना जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है, जिससे निथिया को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ़ किया था। सर अरवन चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन निथिया जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दर्शना के लिए बिलजोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और निथिया को इस खुदा सड़क में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे
ने एतराफ़ किया कि दर्शना उससे मिलने जा रहा है, वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। दर्शना जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है, अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में, वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतज़ार करें वो, और खुशी से गले लग दर्शना की शादी हो जाती है और इन अरवन खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्री नवाकसन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमास के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बाबू थॉमस के ताउन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी वबई अमराज के इजाफे के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चुनाई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताखिर का निशाना बनाया गया था। और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया और ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी इसको रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो केरला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और साबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोढ़ी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अरुदवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामा नदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसेफ जारिज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान, रटियो जोगी कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर उर्वन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इन्नडू इब्राहिम,
जो जोश बतौर प्रतीक तिवारी तिशार पलाई नेहा की माँ के तौर पर, मंजोला मोहन दास नित्या की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थामिस इब्राहिम बतौर लज्जू कोरीन, जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप, जुआय कौली के तौर पर कौशिक एम डी, राजा रानी परियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्र शेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ शेर शाह शरीफ अख्तर, राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर, बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थामिस श्री मेनन, अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम, जे कृष्ण ए बी बतौर और इसके अलावा चित्रा कुमार, अंजलि एस नाहर बतौर तमीज, सिल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया निथिया के दोस्त, सूरज सुरेश बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रियासनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान, नोबल बाबू थामिस बतौर विशाख, लेना कशीर रविंद्रन बतौर अनोडी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर विशाख नाहिद बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथु कटी बतौर पादरी, नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं 2006, लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ किया, जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है, शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साल से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है, लेकिन वो इसे हसद की अलावा समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तिहान 2007 में पास कर लिए हैं।
बाद में दर्शना भी सेल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सेल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं कि इनके आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं, 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंग्रेस की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस ना करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इससे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कज़न से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब पड़ता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कज़न की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सेल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सेल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेकशा पैसा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। दर्शना शादी के इस्तकबाल में शिरकत करती है लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले दर्शना को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सेल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा जिस पर निथिया खुश हो जाते हैं। दर्शना की शादी तय है और अरवन निथिया सेल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। निथिया ने दर्शना के सामने अरवन का हाथ थामा लेकिन दर्शना जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है, इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है जिससे निथिया को गुस्सा आता है। इस रात वो
इससे 2016 निगेटिव में 16 जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ किया था। सैन उर्वान चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथा जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दर्शना के लिए बिल जोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अर्वन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और मेथिया को इस उदास हालत में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ किया कि दर्शना उससे मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। दर्शना जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है, अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में। वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतज़ार करें वो, और खुशी से गले लग गए। दर्शना की शादी हो जाती है और इन लोगों खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्रीनिवासन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमॉस के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के ताउन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल, कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारिफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत, इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी बबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताकि का निशाना बनाया गया था। फिर और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया और ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में ये मूवी इसको मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो गरिल्ला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिन में पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों, इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोढ़ी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अर्गवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान नवान नोट
की बतौर माया, पद्मीना बहन, कलेश रामा नदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसेफ जॉर्ज बतौर केदार कॉम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा, मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा, नयान रोश डी एम बतौर मेहमान, रेटियो जोगी कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त, शेवा हरी वरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की माँ के तौर पर, मंजोला मोहन दास निथिया की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआय कॉली के तौर पर, कौशिक एम डी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्र शेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ, शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर, बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थॉमस श्री मेनन, अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम, जे कृष्ण ए बी बतौर और इसके अलावा चित्रा कुमार, अंजलि एस नाहर बतौर तमीज, सिल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया निथिया के दोस्त, सूरज सुरेश बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रिया सनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान, नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अनोटी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर, विशाख नाहिर बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथुकटी बतौर पादरी, नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर, बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं। 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ़ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है, शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साथ से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है लेकिन वो इसे हसद की अलामत समझ कर नाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है।
इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो एंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं टेन के आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंद्रस की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी इन्हें उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज बेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी वीकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब करता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक आशा पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। दर्शना शादी के इस्तकबालिया में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले दर्शना को खबर बताई। जब
नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो हरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर नेथा खुश हो जाते हैं। दर्शना की शादी तय है और हरवन नेता सिल्वा के साथ एस के घर जाते हैं। नित्या ने दर्शना के सामने अरवन का हाथ थामा, लेकिन दर्शना जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। एस के इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है, जिससे नेता को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 सोना जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ किया था। सर अरवन चुपके से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथा जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दर्शना के लिए बिल चोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और नेथिया को इस उदास रात में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ किया कि दर्शना से मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। दर्शना, जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है, क्या वो दोनों साथ रहते हैं? अगर ये बहस करती है, अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन रखते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतज़ार करें वो, और खुशी से गले लग गए। दर्शना की शादी हो जाती है और अरवन खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन से कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्रीनिवासन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमास के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के तावन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर ईशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारिफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत, इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी वबई अमराज के मुदाफे के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चुनाई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको फिर ताखिर का निशाना बनाया गया था। फिर और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया और ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 मिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में ये मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो करिल्ला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों, इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी, प्रिया दर्शन, नथिया बालू गोपाल के तौर पर
अरवन की बीवी दर्शना रचनंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी। सवात लाल बतौर लोधी थेठ यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर विजय अरुगवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन कोरीन बतौर अखल सितान नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन कलेश रामानदर बतौर सिल्वा अभिषेक जोसफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान रोश डी एम बतौर मेहमान रेड पियो जोगी कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर मंजोला मोहन दास निथिया की बड़ी बहन के तौर पर जिष्णु श्री कुमार बतौर रोवन वालिया देतल अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआ काली के तौर पर कौशिक एम डी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक अदियान चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश शेर शाह शरीफ अत्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर जान थॉमस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम जे कृष्ण ए बी बतौर और इसके अलावा चित्रा कुमार अंजलि एस नाहर बतौर तमीज सेल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया निथिया के दोस्त सूरज सुरेश बतौर दूल्हा अर्षा मोहन प्रिया सनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख रेना कशी रविंद्रन बतौर अनोडी की आर्टिट की तारीख शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर विशाख नाहिद बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर मुथुकटी बतौर पादरी नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दरअसल
दर्शना केदार एक औरत सास से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है, लेकिन वो इसे हसद की अलामत समझ कर नाराज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिदैन ने देखा केन के बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो एंटोनी के साथ एन के हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं केन के आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इन की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरा की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर वाला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब पड़ता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन बदकिस्मती से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक आशा पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं।
कृष्णा शादी के इस्तकबालिया में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवल अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवल और नीथा को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद नीथा ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवल ने सबसे पहले दृष्णा को खबर बताई। जब नोजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवल ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर नीथा खुश हो जाते हैं। दृष्णा की शादी तय है और अरवल नीथा सिल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। नीथा ने दृष्णा के सामने अरवल का हाथ थामा, लेकिन दृष्णा जवाब भी अरवल के लिए जज्बात रखती है, इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है, जिससे नीथा को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 सोना जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ़ किया था। सैन अरवल चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीथा जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दृष्णा के लिए बिलजोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवल अपने आप को जुर्म महसूस करता है और नीथा को इस उदास हालत में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ़ किया कि दृष्णा उससे मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है, वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। दृष्णा जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवल के शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है, अरवल हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतज़ार करें वो, और खुशी से गले लग दृष्णा की शादी हो जाती है और अरवल खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्री नवाकसन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमास के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बाबू थॉमस के ताउन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रातम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो केसेट और महदूद एडिशन पनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सी जी वबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चुनाई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताखिर का निशाना बनाया गया था। फिर और इससे ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया, ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी को रिलीज़ किया गया।
जिसे नाकदीन से आम तौर पर मुस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो गरिल्ला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों, इस मूवी में आपको पूर्णा मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचनंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और साबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोडी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अरगवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामानदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसेफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान, रटियो जोगी कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर उर्वन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, मंजोला मोहन दास नित्या की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआ काली के तौर पर, कौशिक एम डी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर, बीजू के तौर पर संगीत पर ताप, रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थॉमस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम, जे कृष्ण ए बी बतौर और इसके अलावा चित्रा कुमार अंजलि एस नाहर बतौर तमीज, सेल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया नित्या के दोस्त, सूरज बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रिया सनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान, नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अंडोनी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर, विशाख नाहिर बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथुकटी बतौर पादरी नियान, रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर, बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं। 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए छुप जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ़ किया
जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद उर्वान की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है वो। माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साल से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है लेकिन वो इसे हसद की अलामत समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में उर्वान के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो एंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सेल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सेल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है। ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं टेन के आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इन की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए वसीलता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इससे वक्त फ्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज बेट है जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कज़न से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब करता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कज़न की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है।
वो करीब तर होते जाते हैं और नेथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सेल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन एस के बाद सेल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से नेथा और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। दर्शना शादी के इस्तकबाले में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और नीथा को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद नीथा ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले दृष्णा को खबर बताई। जब नोजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर नेथा खुश हो जाते हैं। दर्शना की शादी तय है और अरवन नेथा सिल्वा के साथ इस के घर जाते हैं। नित्या ने दर्शना के सामने अरवन का हाथ थामा, लेकिन दर्शना जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। इस के इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है, जिससे नेथा को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ़ किया था। सहर अरवन चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथा जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दर्शना के लिए बिलजोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और नेथिया को इस उदास हालत में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ़ किया कि दर्शना से मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। दर्शना जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन के शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है, अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतज़ार करें वो और खुशी से गले लग गए। दर्शना की शादी हो जाती है और इन अरवन खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्रीनिवासन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमास के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बाबू थॉमस के ताउन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल, कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो केसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनीत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो
वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सी जी वबई अमराज के इजाफे के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के में हुई और इसको कोविड 19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताखिर का निशाना बनाया गया था। फिर और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया और ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी इसको मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो गरिल्ला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिन में पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचनंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और साबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोढ़ी थेट यकरन अरवन के वालिद नेकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अरुदवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामा नदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसेफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा, नयान रोश डी एम बतौर मेहमान, रटियो जोगी कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, मंजोला मोहन दास नथिया की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया, देतल अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआय काली के तौर पर, कौशिक एमडी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर, बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थॉमस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम जे कृष्ण ए बी बतौर, और इसके अलावा चित्रा कुमार अंजलि एस नाहिर बतौर तमीज सेल्वी, मार योनेस्ट बतौर दिया निथिया के दोस्त, सूरज बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रियासनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान, नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अनोडी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर, विशाख नाहिर बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथुकटी बतौर पादरी, नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर, बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल इख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो
करीब हो जाते हैं। 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तिल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवान अपने दोस्त अंदोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवान ने दर्शना के सामने एतराफ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवान की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साथ से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है लेकिन वो इसे हसद की अलावा समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। ताम अरवान दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवान तक पहुंचाया जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवान के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवान अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवान क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवान को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवान के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है ये समझते हुए कि अरवान इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है जो इनके पहले साल में और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं कि इनके आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010 ताहम अरवान खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवान के साथ इंग्रेस की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस ना करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवान को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवान अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवान ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी इन्हें उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवान अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है।
ऐसे ही एक शादी के दौरान रोहन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब पड़ता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन एस के बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात इज़हार करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। तृष्णा शादी के इस्तकबाल में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले तृष्णा को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर निथिया खुश हो जाते हैं। तृष्णा की शादी तय है और अरवन निथिया सिल्वा के साथ एस के घर जाते हैं। निथिया ने तृष्णा के सामने अरवन का हाथ थामा, लेकिन तृष्णा जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। एस के इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है जिससे निथिया को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 सोना जगह मिलने के लिए बुलाती है जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ किया था। सहर अरवन चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन निथिया जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास तृष्णा के लिए बिल चोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और निथिया को इस उदास रात में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ किया कि तृष्णा से मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। तृष्णा जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है, अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतजार करें वो और खुशी से गले लग गए। तृष्णा की शादी हो जाती है और अरवन खुशी महसूस करता है। व्हाट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन से कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयाम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्री नवाक्सन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमॉस के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के तावन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी, प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने
मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया, जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनेत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी वबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के में हुई और इस कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताकि का निशाना बनाया गया था। और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया। ये 2022 के साथ की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी इसको मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो केरला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोढ़ी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अर्गवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामा नदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान, रेटियो जोगी कंस्टू जोसफ बतौर सिकंदर उर्वन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, मंजोला मोहन दास नथिया की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रही बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआई कॉली के तौर पर, कौशिक एमडी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर बीजू के तौर पर, संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थॉमस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम जे कृष्ण ए बी बतौर, और इसके अलावा चित्रा कुमार अंजलि एस नाहर बतौर तमीज सेल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया नित्या के दोस्त, सूरज बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रिया सनी अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अनोटी की आर्किट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर, विशाख नाहिद बतौर एंट
व्यू ट्रेन में मुसाफिर मुथुकटी बतौर पादरी नियान रोश डी एम अर्जन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को एस के सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं 2006, लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंदोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ़ किया, जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है, लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साथ से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है, लेकिन वो इसे हसद की अलामत समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इसे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है, जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं कि इनके आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010, ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंद्रस की ट्रेन में जाती है, इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस ना करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है, जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है, जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी इनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो
क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रीतिक तिवारी से एक शोर मिला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन नित्या गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर नित्या ने अरवन को अपने कजन से तजवीज किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को नित्या 2014 के सामने बेनकाब पड़ता है। शादी मंसूख कर दी गई है और नित्या अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और नित्या अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी। लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक आशा पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से नित्या और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। तृष्णा शादी के इस्तकबालिया में शिरकत करती है लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और नित्या को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद नित्या ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले तृष्णा को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा जिस पर नित्या खुश हो जाते हैं। तृष्णा की शादी तय है और अरवन नित्या सिल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। नित्या ने तृष्णा के सामने अरवन का हाथ थामा लेकिन तृष्णा जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है जिससे नित्या को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 निकटू है तो 16 जगह मिलने के लिए बुलाती है जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ किया था। सर अरवन चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है लेकिन नित्या जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास तृष्णा के लिए बिल चोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और नित्या को इस उदास रात में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ किया कि तृष्णा से मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। तृष्णा जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात तैयार करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन रखते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल इंतजार करें वो और खुशी से गले लग गए। तृष्णा की शादी हो जाती है और अरवन खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम ज़बान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है।
जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनेत श्री नवाक्सन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमॉस के जरिए विशाख सबराम मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के तावन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रादम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारिफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई, जहां विनेत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सीजी वबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चुनाई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताखिर का निशाना बनाया गया था। फिर और इस ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया और ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में ये मूवी इसको मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो केरला रियासी फिल्म अवार्ड जीतने, जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोधी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अरुगवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामानदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जिमिलिया, सलीम बतौर मेखा मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान रेड यो जोगी, कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त, शेवा हरी भरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, मंजोला मोहन दास नित्या की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआय कॉली के तौर पर, कौशिक एमडी राजा रानी परियान बतौर डी स्टाल मालिक, अधियान चंद्रशेखर जो के तौर पर ए और राजा गणेश अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ शेर शाह शरीफ अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन अरवन के मलयाली सीनियर, बीजू के तौर पर संगीत पर ताप रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थॉमस श्री मेनन अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम, जे कृष्ण ए बी बतौर
और इसके अलावा चित्रा कुमार, अंजलि एस नाहिर बतौर तमीज सेल्वी मार, योनेस्ट बतौर दिया निथिया के दोस्त, सूरज सूरज बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रिया सनी, अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान, नोबल बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अन्नोटी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर विशाख, नाहिद बतौर एंट व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथुकटी बतौर पादरी, नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं। 2006 लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है। शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साथ से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है लेकिन वो इसे हसद की अलावा समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिद ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंडोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में पांचवें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तिहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना भी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है। ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं कि इनके आखिरी दिन क्या है। जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंग्रेस की ट्रेन में जाती है इससे पूछती है कि अगर वो चार साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है।
दो साल बाद उर्वान अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। कृष्णा जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवान ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी इन्हें उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवान अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवान निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवान को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवान को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब पड़ता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवान की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवान के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन पसंदी से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवान इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक आशा पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवान अपनी शादी तय करते हैं। कृष्णा शादी के इस्तकबाल में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवान अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवान और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवान ने सबसे पहले कृष्णा को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवान ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर निथिया खुश हो जाते हैं। कृष्णा की शादी तय है और अरवान निथिया सिल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। निथिया ने कृष्णा के सामने अरवान का हाथ थामा, लेकिन कृष्णा जवाब भी अरवान के लिए जज्बात रखती है। इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है जिससे निथिया को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 निकटों पर सोना जगह मिलने के लिए बुलाती है जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ़ किया था। सर अरवान चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन निथिया जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास कृष्णा के लिए बिल जोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवान अपने आप को जुर्म महसूस करता है और निथिया को इस उदास हालत में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ़ किया कि कृष्णा उससे मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है। वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। कृष्णा जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवान के शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ ज़ाहिर करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है अरवान हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में
वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल का इंतजार करें। वो और खुशी से गले लग गए। दर्शना की शादी हो जाती है और इन लोगों खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा। हैरी दयम एक 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम ज़बान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी विनीत श्री नवाफसन ने की है। इसे मेरी लैंड सैनमॉस के जरिए विशाख सबरा मुनीम ने प्रोड्यूस किया था और बिग बैग एंटरटेनमेंट के जरिए नोबल बापू थॉमस के ताउन से ये मूवी तैयार की गई थी। फिल्म में परना मोहन लाल कल्याणी प्रिया दर्शन और दर्शना रचंद्रंदर ने काम किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर हिशाम अब्दुल वहाब ने तरतीब दिए थे। रातम ने मेरीलैंड स्टूडियो की वापसी का निशाना लगाया जो केरला के इब्तदाई फिल्मी स्टूडियो में से एक था। फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म ने हिंदुस्तान में एक बार मतरूक ऑडियो कैसेट और महदूद एडिशन वनाइल रिकॉर्ड्स को दोबारा मुतारफ कराया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई जहां विनीत इसकी हालिया दिव्या और इसके दोस्त और अदाकार जो वर्गीज ने तालीम हासिल की और पलकाट कोची के सी जी बबई अमराज के इलाके के साथ वक्फा लेने के बाद फिल्म बंदी का इख्तिताम मार्च 2021 में हुआ। फिल्म की शूटिंग चुनाई के में हुई और इसको कोविड-19 के अंधेरा प्रदेश में इसको भी ताकि का निशाना बनाया गया था। फिर और इससे ये जो मूवी है इसने अच्छा बिजनेस किया। ये 2022 के साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म ने US$6.3 बिलियन कमाया और जनवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये मूवी को रिलीज़ किया गया। इसे नाकदीन से आम तौर पर मस्बत जायजे मिले। इस फिल्म ने दुनिया भर में 51 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया और दो गरिल्ला रियासती फिल्म अवार्ड जीतने जिनमें पॉपुलर अपील और जमालियाती कुदरत कदर के साथ बेहतरीन फिल्म शामिल है। दोस्तों इस मूवी में आपको परना मोहन लाल बतौर अरवन के रोल में नजर आएंगे, कल्याणी प्रिया दर्शन नथिया बालू गोपाल के तौर पर अरवन की बीवी, दर्शना रचंद्रंदन बतौर दर्शना अरवन के दोस्त और सबका गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, सवात लाल बतौर लोढ़ी थेट यकरन अरवन के वालिद निकजन मूर्ति के तौर पर, विजय अरुगवान जवानी अंडोनी बतौर बाला गोपाल नदिया के वालिद, अजू वर्गीज बतौर जमी अरवन, कोरीन बतौर अखल सितान, नवान नोटी बतौर माया पद्मीना बहन, कलेश रामानदर बतौर सिल्वा, अभिषेक जोसेफ जॉर्ज बतौर केदार कम्प्लेक्स एन जीमिलिया, सलीम बतौर मेखा थॉमस बतौर जैक्सन, शंकर एडू चोडन बतौर दुल्हा नयान, रोश डी एम बतौर मेहमान रटियो जोगी, कंस्टू जोसेफ बतौर सिकंदर पुरवन का दोस्त, शेवा हरी वरन बतौर इनडू इब्राहिम, जो जोस बतौर प्रतीक तिवारी, तिशार पलाई नेहा की मां के तौर पर, पंजोला मोहन दास नित्या की बड़ी बहन के तौर पर, जिष्णु श्री कुमार बतौर रुवन वालिया देतल, अजीत थॉमस इब्राहिम बतौर लज्जू, कोरीन जोसेफ जान बतौर जोजी सलमान, अरबी महमूद रहीम बतौर पुलिस, संजय मेनन बतौर प्रदीप जुआ कौली के तौर पर, कौशिक एम डी राजा रानी पडियान बतौर डी स्टाल मालिक, अदियान चंद्रशेखर जो के तौर पर, ए
और राजा गणेश, अरवन और जेश जोश, शेर शाह शरीफ, अख्तर राम कुमार बतौर जैक्सन, अरवन के मलयाली सीनियर बीजू के तौर पर संगीत पर ताब, रिमेश मेनन बतौर फारूक नखल नाहर, जान थामिस श्री मेनन, अर्जुन सुरेश सेरा मिथोस अंजाना रेशम, जे कृष्ण ए बी बतौर, और इसके अलावा चित्रा कुमार, अंजलि एस नाहर बतौर तमीज, सेल्वी मार योनेस्ट बतौर दिया नित्या के दोस्त, सूरज बतौर दूल्हा, अर्षा मोहन प्रियासनी, अलीशा सेकड़ा और जे मर्सी जान नोबल, बाबू थॉमस बतौर विशाख, रेना कशीर रविंद्रन बतौर अन्नोटी की आर्टिट की तारीख, शान रोमी अंडोनी के डेट के दोस्त के तौर पर विशाख, नाहिर बतौर एंड व्यू ट्रेन में मुसाफिर, मुथुकटी बतौर पादरी, नियान रोश डी एम अर्जुन के दोस्त के तौर पर बप्पी खान बतौर जिया दीद के रोल में नजर आएंगे। केरला के एक नौजवान अरवन ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई के एक मशहूर इंजीनियर कॉलेज के सी टेक में शामिल अख्तियार की। इसे पहली नज़र में ही कॉलेज की प्यारी दर्शना से प्यार हो जाता है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अरवन को इसके सीनियर्स की तरफ से छेड़छाड़ करने के बाद वो करीब हो जाते हैं 2006, लेकिन चंद झगड़ों और वाकयात से सीनियर मुअत्तल हो जाते हैं और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। अरवन अपने दोस्त अंडोनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो इससे झूठ बोलता है, बताता है कि वो अकेला है और वो भूसा इनके चुम्मी जिसे हम बोलते हैं प्यार लेने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन अखलाक की पुलिस ने इनकी मुदाखलत की है। एक जुर्म में मुबतला अरवन ने दर्शना के सामने एतराफ किया जिसने खुशी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी दलील की गर्मी में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि इनके पास दूसरे रोमानवी साथी एक दूसरे से बेहतर होंगे। ब्रेकअप के बाद अरवन की जिंदगी नीचे की तरफ जाती है। वो अपने दूसरे साल में जूनियर को रगड़ता है और दूसरे लोगों को बाहर के लोगों को मारता है, शराब का आदी है। वो माया के साथ रिश्ता शुरू करता है लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। दर्शना केदार एक औरत साल से डेटिंग शुरू कर देती है और वो दर्शना को खबरदार करता है, लेकिन वो इसे हसद की अलावा समझ कर नजरअंदाज कर देता है। ताम अरवन दुरुस्त साबित हुआ और दर्शना ने केदार को थप्पड़ मारा। केदार इसके बारे में अफवाहें फैलाने की धमकी देता है और इसके दोस्त ने इसे अरवन तक पहुंचाया, जो केदार को मारता है और इससे खामोश कर देता है। घर में अरवन के वालिदैन ने देखा कि इनके बेटे के साथ कुछ गलत है। इसके वालिद ने इसे शराब छोड़ने और अपनी जिंदगी में एक नया पत्ता लगाने का मशवरा दिया। अरवन अपने मुश्तरका हॉस्टल के कमरे से बाहर एक पुरअमन माहौल में चला गया। वो अंटोनी के साथ इनके हम जमात सिल्वा की कोचिंग क्लासों में शामिल होता है और वो जल्द ही तालीमी मैदान में वापस आते हैं। अरवन क्लास में 5वें नंबर पर है और दोनों ने अपने बहुत से इम्तहान 2007 में पास कर लिए हैं। बाद में दर्शना दी सिल्वा की कोचिंग क्लास में शामिल होती है और खुद को नए बदले हुए अरवन को पसंद करती है। सिल्वा की बस हादसे में मौत हो जाती है और इसकी क्लास में हर कोई गमजदा है। माया अपने वालिद की मौत के बाद अरवन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, ये समझते हुए कि अरवन इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ ये चाहता था कि वो दर्शना को हसद में मुबतला करे। कॉलेज के आखिरी दिन तमाम तुलबा को एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे खुफिया गली कहा जाता है, जो इनके पहले साल में, और इन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ आखिरी साल के तुलबा ही देख सकते हैं।
ट्रेन के आखिरी दिन क्या हैं, जहां वो तुलबा के अगले बीच के लिए पैगाम छोड़ते हैं। 2010 ताहम अरवन खुद को कुछ लिखने से कासिर पाता है। दर्शना जो अरवन के साथ इंद्रिस की ट्रेन में जाती है, इससे पूछती है कि अगर वो 4 साल पहले बहस न करते तो वो अब भी साथ होते। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अरवन को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरवन अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना जवाब यूट्यूब ब्लॉगर है, जो इससे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा देती है। बस के सफर में इसकी मुलाकात एक शादी के फोटोग्राफर जमी से होती है, जिससे एक साथी की जरूरत होती है। 2012 है और इसे फोटोग्राफी के लिए घसीटता है। अरवन ने फैसला किया कि इन्हें एक ऐसी कंपनी उनके पास होनी चाहिए जो मुबाशरात की शादियों में महारत रखती हो, क्योंकि इसे वक्त क्रिल्ला में ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। इसे इनकी कंपनी प्रतीक तिवारी से एक शोर मल्ला जो के सी टैग में इसके पेज मेट है। जवाब बॉलीवुड के एक मशहूर गुलकार है। शोर मचाने के बाद इन्हें बहुत सी बिकनिंग और पूछ कुछ कर मिलती है और वो मशहूर हो जाते हैं और अरवन अब अपने काम से मुतमईन महसूस करता है। ऐसी एक शादी के दौरान अरवन निथिया गोपाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर निथिया ने अरवन को अपने कजन से तजवीज़ किया जिसकी शादी होने वाली है। तब अरवन को पता चलता है कि दूल्हा चौकीदार है और अपने किरदार को निथिया 2014 के सामने बेनकाब करता है। शादी मंसूख कर दी गई है और निथिया अपने कजन की जान बचाने के लिए अरवन की शुक्रगुजार है। वो करीब तर होते जाते हैं और निथिया अरवन के साथ शादी के लिए चलाई जाती है और वापस छत पर जाती है जहां सिल्वा ने अपनी कोचिंग क्लास मुनक्कद की थी, लेकिन बदकिस्मती से अब नए किरायादारों की आमद के बाद इससे बंद कर दिया गया है। अरवन इसके बाद सिल्वा की दवाई दादी से मिलता है जो इनका इस्तकबाल करती है और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पैदा करती है। अपने वालिदैन की मंजूरी से निथिया और अरवन अपनी शादी तय करते हैं। दर्शना शादी के इस्तकबाल में शिरकत करती है, लेकिन वो खुद को इस हकीकत से समझ नहीं पाती कि अरवन अब इसका नहीं रह सकता और रोते हुए चला जाता है। अरवन और निथिया को की शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी से रहते हैं। 3 साल बाद निथिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और मुसव्वर अरवन ने सबसे पहले दर्शना को खबर बताई। जब नौजिंदा बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो अरवन ने सिल्वा को याद किया और याद के तौर पर अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जिस पर निथिया खुश हो जाते हैं। दर्शना की शादी तय है और अरवन निथिया सिल्वा के साथ इसके घर जाते हैं। निथिया ने दर्शना के सामने अरवन का हाथ थामा, लेकिन दर्शना जवाब भी अरवन के लिए जज्बात रखती है। इसके इर्द गिर्द बहुत करीब से काम करती है, जिससे निथिया को गुस्सा आता है। इस रात वो इससे 2016 जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां इन्होंने एक दूसरे से एतराफ़ किया था। सहर अरवन चुपके से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन निथिया जाग जाती है और वो इसे झूठ बोलता है। एंड के पास दर्शना के लिए बिलजोल्टी पार्टी है और वो चला जाता है, लेकिन अरवन अपने आप को जुर्म महसूस करता है और निथिया को इस उदास सड़क में तलाश करने के लिए कमरे में जाता है, जहां वो झूठ बोलता है और उससे ने एतराफ़ किया कि दर्शना उससे मिलने जा रहा है। वो इससे इजाज़त देती है।
वो वापस सिल्वा के साथ सुकून से जाती है। तृष्णा जिसके गले में शादी शुदा होने वाली है, अरवन से शादी के बारे में अपने तहफ़ुज़ात तैयार करती है और इससे एक बार फिर पूछती है क्या वो दोनों साथ रहते हैं। अगर ये बहस करती है अरवन हथियार और सिल्वा के साथ अपनी अच्छी यादें ताज़ा करने को यकीन दिलाते हैं और इस तरह इनके लम्हात इनकी ज़िंदगी में वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना मुस्तकबिल का इंतज़ार करें वो और खुशी से गले लग गए। कृष्णा की शादी हो जाती है और इन अरवन खुशी महसूस करता है। वट इफ्स इससे कहता है कि वो टैग की तरफ चक्कर लगाता है और खुफिया गली की चाबी हासिल करता है और वो कॉलेज के लिए शुक्रिया का नोट लिखता है कि वो कौन सी कैंप्स में आ जाएगा।